हेलो एवरीवन। सो ये जो सेशन होगा यहाँ पे हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और सो फिल्म या थिन फिल्म वाले कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो वो हम करने वाले हैं, ठीक है। सो क्वेश्चंस का लेवल बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा अच्छा, जेस्ट लेवल तक के क्वेश्चन है, TIFR तक में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आप क्वेश्चन करोगे आपको खुद अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। सो अगर आप चैनल पर नए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो तो आप मतलब मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, या फिर मतलब टेलीग्राम इंस्टाग्राम जहाँ पे चाहो आप फॉलो कर सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो। ग्रुप का लिंक जो है आपको नीचे मेंशन है। देखो ध्यान से यहाँ पे क्या दिया हुआ है। इन अ मॉडिफाइड YDSE एक्सपेरिमेंट द रीजन बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरीज विद टाइम एज म्यू इक्वल टू 5T, ये आपका दिया हुआ है। Until it reaches a steady state of 5/2, 5/4, ये दिया हुआ। A glass plate of thickness 36 micrometer and refractive index this much is introduced in front of the slits. The speed of the central maximum when it is at O is dash into 10 power minus 3 meter per second, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। डैश, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन को करते हैं क्योंकि यहाँ पे दो डेटा मिसिंग है, यहाँ पे डी और डी एक्चुअली मेंशन होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कैसे मिसिंग होगा, क्या होगा, इसको हम समझा देते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या किया इस पूरे, आपने YDSE एक्सपेरिमेंट को क्या किया, आपने किसी कंटेनर के अंदर, मान लो कि इसके अंदर क्या किया, आपने कोई लिक्विड फिल कर दिया, ये कोई लिक्विड है, और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका वेरी कर रहा है वो वेरी कैसे कर रहा है, 5/2 - T/4, दैट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, वेरी गुड। अब देखो जैसे ये आपके दो ग्लास प्लेट्स हैं, ये आपका ग्लास प्लेट हो गया, मतलब ये आपका ये होगा स्लिट हो गया, और यहां पे मान लो कि आपका स्क्रीन है, रे ऑफ लाइट यहां से जा रहा है, रे ऑफ लाइट यहां से जा रहा है। बोला ये जा रहा है कि देखो आप यहां पे क्या करो, यहां पे इस पे एक आपने ग्लास प्लेट जो इंट्रोड्यूस, देखो ग्लास प्लेट इसमें इंट्रोड्यूस करा, इसमें इंट्रोड्यूस, कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। आपका यहां से कितना हो गया, जरा ध्यान से देखो, ये अगर आप इसको चेक करोगे, सो आपका ये इसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है दैट इज गिवन एज, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स गिवन है 3/4, किसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, ग्लास इज गिवन बाय दिस, आप एक ग्लास प्लेट जो है इसकी थिकनेस, इसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है दैट इज गिवन एज 3/2, सॉरी दैट इज गिवन एज 3/2, ये आपने बीच में यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया। आपसे पूछा गया ये बता दो, क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है ये, स्पीड ऑफ द सेंट्रल, अब आपका देखो यहाँ पे ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, यहाँ पे टी जो है दैट इज टाइम, टाइम के साथ इसका ग्लास प्लेट का रिफ्रेक्ट, ये जो आपका लिक्विड है इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है। तो ऑब्वियस है कि देखो कि आपका ये जो होगा ना यहाँ पे, मतलब होगा क्या आपका ये, मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा, सेंट्रल मैक्सिमा कहीं पे बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा जो होगा वो आपका चेंज होता रहेगा, सेंट्रल मैक्सिमा जो होगा वो आपका चेंज होता रहेगा। तो आपसे पूछा है कि जब सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पे पहुंचेगा, ओ पे पहुंचेगा, जब सेंट्रल मैक्सिमा ओ पे पहुंच जाएगा उस टाइम पे आपके इसकी सेंट्रल मैक्सिमा, इसकी स्पीड जो होगी वो कितनी हो जाएगी, सेंट्रल मैक्सिमा जब यहां पे पहुंचेगा उस टाइम पे इसकी स्पीड क्या होगी, क्वेश्चन को समझना अच्छे से, ठीक है। यहां पे टी जो है दैट इज टाइम। अब जरा देखो ध्यान से, मैं आपसे पूछूं यार ये बताओ कि इसका नेट पाथ डिफरेंस कितना बनेगा, अगर मैं आपसे पूछूं पाथ डिफरेंस कितना बनेगा, तो ये आपका S2 हो गया, ये आपका S1 हो गया, ये मान लो कि आपका पॉइंट जो है दिस पॉइंट इज पी, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कैसे हो जाएगा, जरा देखो S2P, जरा ध्यान से S2P हो गया, यहां से यहां तक ये पूरा डिस्टेंस, माइनस क्या कर दो थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट इन द लिक्विड, लिक्विड के अंदर, क्योंकि देखो इसके अंदर ये दो बार जाएगा, तो यहां पे क्या करो प्लस म्यू ग्लास प्लेट का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और यहां पे टी क्या हो गया, टी ऑफ ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट के अंदर ये ट्रेवल करेगा लाइट, और प्लस क्या हो गया, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका S1P, यही तो आपका फेज डिफरेंस होता है, मतलब पाथ डिफरेंस होता है, S2P - S1P। लेकिन ध्यान से देखो यहां पे टी जो एक बार लिक्विड के अंदर से जा रहा है, मतलब इसके बाद एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस, सोचो जरा ध्यान से, सोचना जरा इस चीज को, आप यहां पे मान लो कि आपने एक ग्लास प्लेट ऐसे करके इंट्रोड्यूस करा रखा है, कहां पे एयर में, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस, जब मान लो कि ग्लास प्लेट नहीं था तो इसको टी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा था, और जब इसके अंदर से ट्रेवल करा तो इसको म्यू टी टाइम्स ऑप्टिकल पाथ, इसका ये होगा म्यू टाइम्स टी, यही हो जाएगा आपका, हाँ या ना। तो चलो बताओ ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, दैट इज μ - 1 times t, समझ आई बात, म्यू टाइम्स टी दैट इज द ऑप्टिकल पाथ। बोलोगे सर तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, यार एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 ही होता है ना, कोई जरूरत नहीं उसको करने की, समझ गया ना। सेम चीज है यहां पे, देखो आपका जैसे ये ग्लास प्लेट था, ये किसी मीडियम के अंदर है, ये ग्लास प्लेट जो है ये ऑलरेडी किसी मीडियम के अंदर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपको यहां पे यूज करना होगा कि यार इसका बताओ कि एक्स्ट्रा पाथ इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ जाएगा, सो दैट विल आप यहां पे टी लिखोगे, और यहां पे क्या होगा म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, यही तो करोगे म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड -1, यही तो हो जाएगा, ये पूरा आपका हो जाएगा, बस यही करना आपको, समझ गए इस बात को। चलो तो वही चीज हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, देखो यहां से ध्यान से, डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू, अब इसको ऐसे लिख सकते हो S2P - S1P, ये तो आपके लिक्विड के अंदर हो गया, और माइनस क्या हो गया टी,
माइनस क्या हो गया आपका टी ग्लास, ये आपका ग्लास के अंदर हो गया, और माइनस हो गया टी इनसाइड द लिक्विड, ग्लास और लिक्विड ये आपका हो गया। यस और नो, आई होप ये चीज आपको समझ आ गई। अच्छा लेकिन ग्लास याद रखना, ग्लास जो है वो लिक्विड के अंदर है, तो यहाँ पे जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आप ऑप्टिकल पाथ लोगे, तो उस केस में क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द लिक्विड वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा जरा, दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो गया इसका फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज एक्स डी डिवाइड बाई डी, ये तो यही होता है हमेशा, प्लस यहाँ पे क्या जाएगा टी, टी बाहर निकालो, और यहाँ पे क्या हो गया म्यू ग्लास माइनस अपॉन म्यू लिक्विड माइनस यहाँ पे वन हो गया, यही तो बनेगा म्यू ग्लास अपॉन म्यू लिक्विड माइनस वन, मतलब यहाँ पे क्या हो गया ये आपका ऑप्टिकल पाथ हो गया म्यू जी बाई म्यू एल। बोलोगे सर यहाँ पे क्यों नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चला जाएगा, म्यू एल यहाँ पे जाएगा वो ऑप्टिकल पाथ ऑलरेडी कवर हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो। अच्छा अब जरा देखो यहाँ पे डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स की अगर हम बात करें दैट इज इक्वल एक्स डी डिवाइड बाय आपका डी हो गया, और प्लस क्या हो गया ध्यान से देखो यहाँ पे प्लस क्या हो गया टी कॉमन, टी यहाँ पे हो गया आपका, यहाँ पे क्या हो गया म्यू जी माइनस म्यू जी बाई म्यू एल माइनस म्यू एल माइनस वन। अच्छा ये क्या हो गया आपका एक्स डी अपॉन डी प्लस आपका यहाँ पे हो गया डी, अच्छा ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स थ्री बाई टू अपॉन क्या हो गया म्यू एल, म्यू एल की अगर हम बात करें ये कितना गिवन है ठीक से देखो दैट इज ग्रो फाइव बाई टू माइनस टी बाई फोर, फाइव बाई टू माइनस यहाँ पे हो गया टी बाई फोर और यहाँ पे माइनस वन हो गया, सो आपका ये कितना हो गया दैट इज ग्रो एक्स डी डिवाइडेड बाई डी, एक्स डी डिवाइडेड बाई डी और प्लस क्या हो गया टी। अब इसको जरा ध्यान से देखो सॉल्व करोगे इसको तो ये क्या हो जाएगा आपका ये देखो यहां से यहां पे देखो थ्री बाई टू माइनस क्या हो गया फाइव बाई टू और प्लस क्या हो गया थ्री टी बाई फोर और डिवाइड बाय क्या हो गया फाइव बाई टू और यहां पे क्या माइनस टी बाई फोर, ये आपका बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया दैट इज इक्वल टू एक्स टी डिवाइडेड बाई डी और प्लस हो गया आपका टी। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो गया मतलब ये आपका माइनस वन हो गया, मतलब क्या हो गया ये टी माइनस फोर, टी माइनस फोर डिवाइडेड बाय नीचे अगर इसका एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा टेन माइनस टी, ये आपका बन जाएगा और फोर फोर कैंसिल हो जाएगा आपका, ये बोला पूरा पार्ट बचेगा। अच्छा अगली चीज क्या है देखो, अगर आपका ये सेंट्रल मैक्सिमा के लिए आपकी कंडीशन क्या होती है डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल एन लैम्डा वेयर एन इज इक्वल टू जीरो, मतलब डेल्टा एक्स आपका जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया माइनस एक्स डी डिवाइडेड बाय डी दैट मस्ट बी इक्वल टू टी और यहां पे क्या हो गया आपका टी माइनस फोर डिवाइड बाय क्या हो गया आपका टेन माइनस टी हो गया, यही तो होगा। यस और नो, इज दैट क्लियर? अच्छा ये आपका हो गया, अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो जरा देखो ध्यान से, ये आपका हो गया। अच्छा अब क्या करना आपको, ये तो आपने फाइंड कर दिया, तो जरा देखो यहाँ पे ध्यान से आप x की वैल्यू फाइंड करोगे आपका x क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस टी डी डिवाइडेड बाय डी, वही मैंने बोला था कि देखो t और d की आपको जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या हो गया t माइनस फोर, यहाँ पे क्या हो रहा है t माइनस फोर और डिवाइडेड बाय टेन माइनस टी हो गया। चलो ठीक है बहुत बढ़िया, अब जरा देखो बोला गया कि कब ये आपके सेंट्रल मैक्सिमा जो होगा यहां से ओ से पास करेगा, जब भाई जब ये ओ से पास करेगा तो ये डिस्टेंस आपका एक्स है ना ओ से पास करेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा दैट इज जीरो, अगर ये जीरो होगी तो ओवरऑल दिस विल बी आल्सो जीरो, तो यहां पे क्या हो जाएगा टी बाई फोर डिवाइड बाई टेन माइनस टी दैट विल बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हो गया टी इक्वल टू फोर सेकंड, मतलब टी की वैल्यू जब फोर होगी तभी तो ये इसको पास करेगा, टी की वैल्यू जो होगी ये फोर होगी तभी तो ये इसको पास करेगा। यस और नो, हाँ या ना, तभी ये इसको पास करेगा। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, ये इसको ऐसे करके पास करेगा, बहुत अच्छी। अच्छा अब क्या है टी इक्वल टू फोर पे इसको पास करेगा। अच्छा अब जरा देखो ध्यान से, मतलब क्या हो गया टी इक्वल टू फोर पे इसको पास करेगा तो स्पीड क्या निकलती है जरा बताओ, डीएक्स बाई डी टी दैट विल बी द स्पीड। यस और नो, जब यहां पे ये पार करेगा तो स्पीड क्या होगी दैट इज डीएक्स बाई डी टी, क्योंकि एक्स आपका चेंज करा, क्यों चेंज करा बिकॉज टाइम इज चेंजिंग, ये आपका टी कैपिटल डी टाइम है, तो डीएक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा माइनस टी डी डिवाइडेड बाई डी, ये हो गया आपका। और यहां पे क्या करेगा इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे क्या हो जाएगा 10 माइनस टी का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज ये कर दिया आपने 10 माइनस टी को एज इट इज रखो, इसका डिफरेंशिएशन 1 और माइनस क्या हो गया आपका टी बाई फोर को, सॉरी टी माइनस फोर को एज इट इज रखो और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस 1, मतलब ये प्लस हो जाएगा। सो आपका आंसर क्या हो गया माइनस टी डी डिवाइड बाई टी आपका ये हो गया, और ये वाला कितना बन जाएगा टी से टी कैंसिल होगा 10 माइनस फोर दैट इज को 6, 6 डिवाइडेड बाई टी, टी की वैल्यू 4 है मतलब यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब डीएक्स बाई डी टी जो हो गया दैट इज इक्वल टू ये आपका हो गया माइनस टी डी डिवाइडेड बाई 6 डी, यही तो बचा। मैंने बोला था ना कि देखो टाइम इक्वल टू फोर से सिक्स फोर सेकंड है, ये आपको पुट कर दोगे, बट भैया ये तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ जाएगा, ओ यहाँ पे स्मॉल टी है सॉरी दैट इज द थिकनेस, तो आपको डी और डी की वैल्यू की नीड पड़ेगी ना, डी और डी की वैल्यू की नीड पड़ेगी, तो टी की वैल्यू आपको गिवन है डी और डी वैल्यू डेटा मिसिंग है, तो बस आप समझ गए ना इस क्वेश्चन को करना कैसे। हम एक कुछ देर के लिए मान लेते हैं डी इक्वल टू 1 मिलीमीटर है और आपका डी जो था दैट इज 1 मीटर, मान लो कि ये गिवन है या 2 मिलीमीटर कुछ भी गिवन है, तो उस केस में डी एक्स बाई डी टी आप निकाल सकते हो आराम से, और वेलोसिटी नेगेटिव क्यों आ रही है बिकॉज ये नीचे की तरफ आ रहा था, सो खत्म कर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ट्रिकी था बट मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। अब जरा देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन तो ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना, ये आप कर लोगे कि अगर डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ अगर ये बन रहा है तो उस केस में पहला मिक्स मिनिमम आ रहा तो क्या होगा, इसको मैं नहीं करा रहा, इसको रहने दो, ये भी इजी सा क्वेश्चन है, इसको नहीं करा रहे हैं, एक सेकंड एक अच्छा सा क्वेश्चन लेने दो, हाँ ये वाला क्वेश्चन करते हैं।
आपको बोला है कि सरफेस ऑफ ग्लास प्लेट इज कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ वाटर, वाटर के थिन लेयर से आपने ग्लास प्लेट जो है, आपका एक ग्लास प्लेट है, ये आपका मान लो कि एक ग्लास प्लेट है, ठीक है, ये आपका एक ग्लास प्लेट है, और इस ग्लास प्लेट के ऊपर क्या है, वाटर का एक थिन लेयर जो ये आपका जमा हुआ है, वाटर का एक थिन लेयर जो ऐसे करके जमा हुआ, मान लेते कि ये आपका जमा हुआ। अ लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस मच इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, लाइट जो 30 डिग्री पे यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है, इंसिडेंट एंगल मान लो कि यहाँ पे 30 डिग्री गिवन है, ये एंगल आपका 30 डिग्री गिवन है। ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर लेयर द इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट चेंजेस पीरियोडिकली, मतलब देखो ये लेयर बार बार पतला होता जाएगा, आपको पता है कि आपका क्या होता है, 2 म्यू टी कॉस आर दैट इज एन लैम्डा, ये तो होता है ब्राइटनेस डार्कनेस की कंडीशन, इस केस में डार्क फ्रिंजेस की कंडीशन ये होगी। सोचो जरा ध्यान से, वाटर लेयर जो इसकी थिकनेस बदल रही है बार बार, तो भैया ये कंडीशन भी तो बार बार बदलेगी, बार बार बदलेगी, डार्क ब्राइट, तो यहाँ पे पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, मतलब क्या हो गया, डार्क से डार्क जो है ये आ रहा है, डार्क से डार्क आ रहा है या ब्राइट से ब्राइट आ रहा है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो आपसे बोला कि ये कितने पे आ रहा है, पता है ये 15 मिनट में आ रहा है, मतलब दो मैक्सिम, अरे यार ये पता था, मैक्सिमम इंटेंसिटी आने में अगर 15 मिनट लग रहा है तो मिनिमम इंटेंसिटी आने में तो 15 मिनट लगेगा, बात तो बराबर है, सेम है, पीरियोडिकली चेंज हो रहा है आपका। फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वाटर लेयर, वाटर लेयर के रेट में क्या चेंज आ रहा है वो आपको फाइंड करना। चलो देखो ध्यान से, आप लोगों को पता है कि मैं मान लो कि ये इजी वाला कंडीशन ले लेता हूं, चलो ब्राइटनेस की, ब्राइट के सॉरी डार्क की कंडीशन ले लेता हूं, आपका क्या हो जाएगा, 2 म्यू टी कॉस आर दैट इज इक्वल टू यहां पे क्या एन लैम्डा। अब जरा देखो, अगर ये थिकनेस घट गई तो यहां पे क्या करो, टी माइनस डेल्टा टी कर दोगे इनटू कॉस आर दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन लैम्डा, अब यहां पे क्या हो जाएगा, एन माइनस वन लैम्डा हो जाएगा। बोलोगे सर क्यों, अरे अगला ऑर्डर आ गया ना, एक ऑर्डर के बाद अगला वाला ऑर्डर आ गया ना, बस यही करना था आपको। अच्छा अब जरा यहां से होता है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तो आपका क्या हो जाएगा, 2 म्यू टी इनटू डेल्टा टी, और यहां पे क्या होगा, कॉस आर, कॉस आर दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा, अरे एन और एन कैंसिल होगा, सब्ट्रैक्ट करके देख लो इन दोनों को, आपका यही तो बचेगा। तो यहां पे देखो क्या आप डेल्टा टी निकाल सकते हो, डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाय क्या हो गया, 2 म्यू, और यहां पे क्या होगा, कॉस आर। अब आपसे पूछोगे सर म्यू किसका यूज करेंगे, तो यार जो भी आपका हो रहा है वाटर लेयर के अंदर हो रहा है ना, जो भी हो रहा है वाटर लेयर के अंदर, तो वाटर लेयर को कंसिडर करोगे, और उसकी थिकनेस वगैरह कुछ गिवन भी नहीं है, आप करोगे क्यों। अब देखो, तो व्हाट इज द चेंज इन थिकनेस, जो भी चेंज हो रहा है थिकनेस में वो वाटर के लेयर में तो चेंज हो रहा है ना, तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा आपका। अच्छा एक चीज और समझ लो, यहाँ पे कॉस आर कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता है साइन आई बाय साइन आर दैट इज इक्वल टू म्यू, इसका मतलब क्या हो गया, साइन आर दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन आई बाय म्यू साइन 30 डिग्री, मतलब 1/2 म्यू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 1 डिवाइड बाय 2, और म्यू का मतलब क्या हो गया, 1.34, इसका मतलब क्या हो गया, 1/2.68, ये तो बचेगा, और ये साइन आर हो गया, तो भैया कॉस आर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, ये तो बचेगा। इसका मतलब आपका डेल्टा टी क्या बच गया, डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू यहां से क्या बन रहा है आपका, लैम्डा डिवाइड बाय 2 म्यू, वाटर का यूज करेंगे यहां पे, और यहां पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस यहां पे हो गया साइन स्क्वायर आर, साइन आर की वैल्यू ये रही, आप पुट कर दोगे यहां पे, आपका डेल्टा टी निकल गया। अच्छा बट डेल्टा टी तो निकालना नहीं था, क्या निकालना था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ ये कितना चेंज हो रहा है। तो भैया ये इतना चेंज कितने देर में, 15 मिनट में हो रहा है, बोला एक घंटे में कितना चेंज आएगा, तो आप क्या करोगे, डेल्टा टी डिवाइड बाय 15 बाय 60 कर दोगे, मतलब इतना आर में कन्वर्ट कर दोगे, इसको आर में फाइंड करना ना, डेल्टा टी की वैल्यू यहां से निकल जाए, देखो सारी वैल्यूज गिवन है, बहुत आराम से इसकी वैल्यू पुट करो, 15 बाय 60 करो, जो भी आएगा उतना माइक्रोमीटर पर आर जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, दैट शुड बी द आंसर, यही आपका आंसर रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो ये क्वेश्चन जो होगा ये इस तरह से होगा, तो थोड़ा ऐसे क्वेश्चन पे नजर डाल के रखा करो, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं। कैलकुलेशन प्लीज आप लोग खुद से कर लेना, और जरूरत पड़े तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि सर ये आंसर आया नहीं है, मेरे को भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कौन कैलकुलेशन करेगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके मैं बैठा नहीं हूं। यहां पे देखो ध्यान से, डिपिंग द फ्रेम इन अ सोप सॉल्यूशन फॉर्म्स अ रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ थिकनेस ऑफ लेंथ दिस मच हाइट दिस मच एंड व्हाइट लाइट ये आपका इतने एंगल पे फॉर्म कर रहा है, द रिफ्लेक्टेड लाइट डिस्प्लेस अ ग्रीन कलर ऑफ वेवलेंथ दिस मच, इफ द डेंसिटी ऑफ सोप बबल इज दिस मच द फाइंड द मास ऑफ द थिनेस्ट फिल्म। क्या बोला, एक सोप बबल बन रहा है, सोप बबल की कुछ थिकनेस होगी, ठीक है, अगर आप रे ऑफ लाइट फॉल करा रहे हो तो आपका ग्रीन लाइट जो होगा ये आपका इसका कंस्ट्रक्टिव, अरे ये आपका शो कर रहा है रिफ्लेक्शन में, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका कंस्ट्रक्टिव बन रहा है। तो भैया कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या थी आपकी, 2 म्यू टी कॉस आर दैट शुड बी इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 2, यही कंडीशन थी आपकी, ये तो कंडीशन थी, और सबसे छोटा ऑर्डर बना, क्योंकि थिनेस्ट फिल्म बनाना है, ऑर्डर सबसे कम कर दो, एन की वैल्यू को जीरो कर दो, इसका मतलब क्या हो गया, 2 म्यू टी कॉस आर ये जो आपका हो गया दैट इज इक्वल टू यहां पे क्या हो गया, लैम्डा बाय 2 है ना, तो यहां से मतलब थिकनेस क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, मतलब यहां पे 4 हो जाएगा, और यहां पे क्या म्यू और यहां पे क्या कॉस आर। बोलो यस सर, अब फिर से वही बात कि देखो आपको साइन आई पता है, साइन आई दैट इज इक्वल टू 1/2,
ठीक है, तो आप यहां से साइन आर निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, साइन आर दैट इज इक्वल टू वन बाई टू म्यू, ये निकल जाएगा, ये सर नो, बिकॉज साइन आई बाई साइन आर दैट इज म्यू, तो ये आपका निकल गया। ये कितना है 1 बाई टू इंटू 1.33, मतलब ये क्या गया 1 बाई 2.66, ये आपका आ गया, बहुत बढ़िया। म्यू आपका ये आ गया, अच्छा कॉस आर निकाल सकते, साइन आर आ गया, तो कॉस आर कैसे निकलेगा, कॉस आर दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई 2.66 का होल स्क्वायर, तो यहां से आप कॉस आर निकाल लोगे आराम से, ये आपका कॉस आर निकल गया। अच्छा कॉस आर की वैल्यू यहां पे बैठकर लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है, ये गिवन है, तो करना क्या था सर, तो आपने देखो थिकनेस निकाल ली, अब थिकनेस निकाल ली तो जरा बताओ क्या आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते, बोलोगे सर वॉल्यूम क्यों, देखो लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट तीनों से क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा 0.02 मीटर इनटू 0.03 मीटर जीरो, हाँ और ये आपका हो गया, और इनटू आपका ये जहां से थिकनेस आई, थिकनेस की वैल्यू कुछ आएगी, आपका वॉल्यूम निकल गया, वॉल्यूम निकल गया तो मास क्या हो जाता है, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी गिवन आपकी 1000, तो आपके यहाँ पे वॉल्यूम मास निकाल लोगे, आपका मास जो आएगा यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, मास जो आपका निकल जाएगा दैट विल बी 0.06 मिलीग्राम, ये आपका मास आएगा। तो प्लीज आप इसको, ये एमजी नहीं है, दिस इज मिलीग्राम, ये आपका मिलीग्राम, तो इतना जो होगा ये आपका मास आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, तो अच्छे से प्लीज ऐसे क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान रखा करो, क्योंकि आईआईटी जहां इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि टू कोहेरेंट सोर्सेस विच आर आइडेंटिकल आर प्लेस्ड ऑन अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एट अ सेपरेशन डी विच इज वेरी मच लेस देन आर सिमेट्रिकली अबाउट द सेंटर ऑफ अ सर्कल द सोर्स एमिट आइडेंटिकल वेवलेंथ लैम्डा द वेव द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद मैक्सिमम इंटेंसिटी। कुछ नहीं करना, देखो क्या होगा, ये समझ लेना आंसर, ये सर्कल है, कंडीशन इमेजिन करो ये आपका सर्कल है, सर्कल पे क्या होगा आपके दो आपके पॉइंट्स हैं, दो आपके पॉइंट सोर्सेस हैं, मान लो कि यहां पे और यहां पे, ये आपका S1 हो गया, ये आपका S2 हो गया, ठीक है, सिमेट्रिक है, सेंटर से सिमेट्रिक है, इनके बीच का सेपरेशन दिया हुआ D है, चलो मान लिया D है, ठीक है, इसका रेडियस मान लो कि R है। सो आंसर, आपसे पूछा कि इस सर्कल पे कितने पॉइंट होंगे जहां पे इसको मैक्सिमा मिलेगा, तो यार मैक्सिमा की कंडीशन तो आप सारे लोगों को पता, क्या पता है कि आपका डी साइन थीटा जो था दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा, डी साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, आपका डी का मतलब इन दोनों के बीच का सेपरेशन, साइन थीटा का मतलब जिस पॉइंट पर रहेगा वहां से एंगल जो है सेंटर से कितना एंगल बनेगा, ये तो बात होगी आपको पता है ना क्या होता है साइन थीटा। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, आप सोचो जरा ध्यान से, पॉइंट यहां पे पी है, चलो बताओ एस टू पी और एस वन पी का पाथ रेफरेंस क्या हो जाएगा, एस टू पी माइनस एस वन पी दैट इज इक्वल टू जीरो, पाथ रेफरेंस इज जीरो, अगर पाथ रेफरेंस जीरो होता तो भी तो इसके, ये किसकी कंडीशन, सेंट्रल मैक्सिमा की, ये आपके सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन होगी, हाँ या ना, मतलब देखो इस पी पे और इस यहां पे आपको दो मैक्सिमा मिल गए, यहां पे और यहां पे दो मैक्सिमा मिल गए, यस और नो। अच्छा और एक चीज देखो, आप जरा सोचो ध्यान से, आपका क्या होता है d sin theta that is the path reference and that is equal to n lambda, yes or no, ये आपकी condition होती है। अच्छा देखो ध्यान से, आप यहां से घूम के पूरा यहां पे जाओगे, एंगल तो यहां पे 0 डिग्री है, यहां पे एंगल जाओगे एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये sin theta कितना हो गया 90 डिग्री, that d that is equal to n lambda, इसका मतलब n कितना हो गया that is equal to d by lambda, मतलब क्या हो गया सोचो, ये भी मैक्सिमा की कंडीशन ना भाई, ये जो क्या दैट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा, ये भी तो मैक्सिमा की कंडीशन। तो जरा देखो यहां से यहां के बीच में इंक्लूडिंग दिस कितने आपके ये बन रहे हैं, कितने आपके बन रहे हैं यहां पे, n बन रहे हैं, एन नंबर ऑफ मैक्सिमा है, जहां जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी उतनी जगह मैक्सिमा बनता जाएगा। इसका मतलब देखो ऐसे इधर आओगे तो यहां पे 90 डिग्री बनेगा, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी नहीं, मतलब आपका टोटल कितने मैक्सिमा बन गया 4d बाय लैम्डा। तो सर क्या 4d बाय लैम्डा आंसर होगा, आंसर इज नो, क्यों, या सेंट्रल मैक्सिमा तो यहां पे इंक्लूड कर चुके हो ना, तो आप क्या करो यहां पे 4d बाय लैम्डा माइनस 2 कर दो। अरे ये दो बार आ गया ना, ये और ये दो बार नहीं आ गया, तो 4d बाय लैम्डा माइनस 2 That is, ये आपका बेसिकली हो गया, दिस इज द नंबर ऑफ मैक्सिमा जो आपको यहां पे मिलेगा 4d बाय लैम्डा माइनस 2, ये आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेगा ऑन द सर्कल विद मैक्सिमम इंटेंसिटी, जहां पे इंटेंसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। आई होप ये बात आपको समझ आ गई। ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, यहां पे दिया assuming S1 and S2 they are interfering sources. Let S1 be ahead of the phase by 90 degree relative to S2 if an observation point P such that, सीधा दिया हुआ देखो, PS1 और PS2 जो है ये आपका 1. PS1 माइनस PS2 जो है ये आपका 1.5 लैम्डा गिवन, ये जिस पॉइंट पे मैच कर रहा है उस पॉइंट की बात करें, P पॉइंट पे, और आपको ऑलरेडी दिया होगा कि S1 जो है इससे पहले से 90 डिग्री के ज्यादा, 90 डिग्री ज्यादा के साथ चल रहा है, इसके साथ ये पहले से 90 डिग्री ज्यादा के साथ चल रहा है ना, तो 90 डिग्री के कारण पाथ रेफरेंस कितना जनरेट हो जाए, पाई लैम्डा बाय 4। सोचो जब अगर 2π होता है फेज डिफरेंस तो पाथ रेफरेंस कितना होता है लैम्डा, अगर आपका पाई फेज डिफरेंस होगा क्या होगा लैम्डा बाई 2, अगर पाई बाई 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा लैम्डा बाई 4 ही तो होगा, हाँ या ना, तो आपका कितना हो जाएगा नेट पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा दैट इज 1.5 लैम्डा और प्लस क्या हो गया 0.25 लैम्डा, यस और नो, द आंसर इज 1.75 लैम्डा, इज दैट क्लियर।
यहाँ से हटा दो, देखो 1.75 डिवाइड बाय 100 हो गया और यहाँ पे लैम्डा हो गया, इसको हटा दो यहाँ से, जो आएगा दैट शुड बी आंसर। इसी तरह से कुछ आपका आंसर जो वो आ जाएगा, ठीक है, तो आप चेक कर लेना, जो भी आपका आंसर है दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। सही बता ना मैंने, या आपका ये हो गया बाय एस वन बी अहेड ऑफ द फेस बाय इंटरफेरिंग सोर्स या पी एस वन 1.5 लैम्डा, और यहाँ से आ रहा है 90 डिग्री का आ रहा है इसके साथ, या तो आपका ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे, यहाँ से लैम्डा बाय 4 आएगा, या सो द आंसर विल बी 1.5 प्लस 0.25, या दैट शुड बी द राइट आंसर। यही आपका सही आंसर जो होगा ये बनेगा, ठीक है, पहले ऑप्शन मैच कर रहा नहीं कर रहा, आप मैच कर लेना। ओ पाई के टर्म में आंसर नहीं, ओह अरे यार सही तो है, तो आपका यहाँ पे क्या गया 175, यहाँ पे करो ना 1.75 इंटू लैम्डा, लैम्डा का मतलब 2 पाई हो गया, तो यहाँ से हटाना इसको, यहाँ से 100 बन गया, इसको सॉल्व करो ना आराम से आंसर आएगा, ये 50 आ गया और यहाँ पे 52 और यहाँ पे 7 हो गया, सही तो आ रहा है। मैं डर गया यार, मैंने कहा ये 7/2 टाइम्स पाई, या दैट शुड द आंसर, सी जो होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप इन सारे क्वेश्चन को कर सकते हो बहुत आराम से। यहाँ पे दिया हुआ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ 4 वेव्स इज गिवन बाय, इन चारों वेव्स का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना, देखो कंसेक्यूटिव वेव्स के बीच में आपका पाथ फेज डिफरेंस जो डेल्टा दैट इज इक्वल 15 डिग्री, यस, यदि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, आर दैट इज इक्वल टू आर रिजल्टेंट, याद करो एक का सिंगल का एम्पलीट्यूड इनटू साइन, यहां पे क्या था एन डेल्टा बाय 2, एन डेल्टा बाय 2 डिवाइड बाय क्या था साइन डेल्टा बाय 2, यही तो बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए, और यहाँ पे का साइन एन डेल्टा बाय 2, साइन एन, एन का मतलब कितना होगा 4 वेव्स हैं, 4 डेल्टा का मतलब क्या होगा 15 डिग्री डिवाइड बाय 2 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा साइन, और यहाँ पे क्या 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 है ना, ये हो गया आपका, तो ये कितना हो गया ए, और यहाँ पे क्या साइन, यहाँ पे क्या साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और डिवाइड बाय यहाँ पे क्या साइन आपका यहाँ पे हो गया 15 डिग्री बाय 2, मतलब 7.5 डिग्री जो भी है, ये वैल्यू कैलकुलेट करना, जो भी आएगा ए के टर्म्स में वही आंसर हो जाएगा, ए के टर्म्स में वही आपका आंसर हो जाएगा, तो बस ऐसे आपको साइन 30 डिग्री डिवाइड बाय साइन 15 डिग्री, साइन 7.5 डिग्री जो भी है, ये वैल्यू आप कैलकुलेटर से चाहो तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप फॉर्मुला लगाओगे तो फॉर्मुला लगा देना, जैसे मर्जी आप करो, बहुत आराम से आपका आंसर जो मैच कर जाएगा, तरीका यही है, ठीक है, आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मुला जो है एन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के रिजल्टेंट का फॉर्मुला जो दैट इज दिस, ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, इस सेशन में इतने ही क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट लगे होंगे, अगर लगे हैं तो प्लीज अगर आप क्लास में थे आखिरी तक तो अपना नाम जो है कमेंट सेक्शन में लिखना, अटेंडेंस लगा देना वहां पे, ठीक है, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम इन सब पे फॉलो कर लो आप मेरे को, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ग्रुप का लिंक आपको नीचे दिया होगा, ठीक है, मिलते हैं जल्दी, तब तक टाटा टेक केयर बाय।